हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए कोफ्ते लेकर आई हूँ, जो बेसन और लौकी के, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं और उनका स्वाद बढ़ाएंगे, वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। और सबसे पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, क्योंकि यह जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसलिए इसकी देखरेख आपके हाथों में है। अब बनाते हैं कोफ्ते, जो हम बिना तले बनाएंगे। ये देखिए लौकी जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है, ये देखिए छील कर कद्दूकस करके रखी हुई है। और ये बेसन, बेसन शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। और ये लौकी, लौकी की फायदेमंद होती है। ये देखिए, ये एक कटोरी बेसन हम ये लौकी में डाल देते हैं, जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। अब हम डालेंगे इसमें, ये देखिए, थोड़ा मिर्ची पाउडर। एक चौथाई हिस्सा चम्मच हल्दी का, एक चौथाई हिस्सा गरम मसाला, ये देखिए नमक, हल्का सा नमक डालते, और एक चम्मच का चौथा हिस्सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके लिए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए ये भी जान लेते हैं। ये देखिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, साबुत जीरा, नमक, गरम मसाला, ये हींग, ये एक कटोरी दही, एक बारीक कटी हुई प्याज, जो छोटी प्याज मैंने बारीक काट के रखी हुई है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच। अब इसको घोल लेते हैं, ये देखिए। और जब तक हम इसे घोलते हैं, ये देखिए हमने गैस पर एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रखा है, और हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, लौकी में पहले से ही पानी होता है, ऐसे ही इसको गूंदना है। ये देखिए, इसको ऐसे ज़्यादा पतला नहीं करना, ऐसे ही एकदम टाइट रखना है। अब इसका हम क्या करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सूखा बेसन लेते हैं और हाथों पर लगाते हैं ऐसे। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, ये देखिए छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं ऐसे, ऐसे सारी बना लेते हैं। ये देखिए, इनको अलग रख लेते हैं, ऐसे ही सारी बना लेते हैं। ये देखिए, हमारे सारे गोले बन चुके हैं। और ध्यान रहे, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं बनाना, छोटा ही रखना है। तब तक हमारा पानी भी उबल चुका है, अब हम इनको पानी में डाल देते हैं, इनको तलेंगे नहीं, सारे डाल देते। और पानी इतना ही डालना जिसमें यह डूब सके, हम इनको ढक देते हैं। और ये देखिए, हमारे कोफ्ते अच्छे से उबल चुके हैं, ये देखिए अच्छी तरह उबल चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं, बिल्कुल अलग अलग। अब हम इनको गैस से उतार लेते हैं और गैस पर कढ़ाई रखते हैं। अभी देखिए, हम एक छोटा चम्मच तेल डालते हैं, तिल का तेल, आप चाहे तो तिल का तेल डालिए या फिर सरसों का तेल डालिए, इसको गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा तेल ही गर्म होता है, ये देखिए एक कटोरी दही। अब हम क्या करते हैं, एक कटोरी दही लेते और इसमें हम आधा चम्मच धनिया पाउडर डालते, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, और एक चम्मच का चौथा हिस्सा गरम मसाला डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालते हैं। अब इसको हम अच्छे से ऐसे फेंट लेते हैं। और दही सपरेटे वाली लेनी है, ये देखिए हमने दही सपरेटे वाली रखी है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं। और देखिए, तब तक हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है, अब
अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं और एक चुटकी हींग डालते हैं। देखिए, और ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और ये एक बारीक कटी प्याज, इसको हल्का ब्राउन करते हैं। अरे देखिए, इसको हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं। हल्का ब्राउन करने के बाद गैस थोड़ी कम कर देते हैं और ये जो हमने दही मिक्स करके रखी है, दही मसाले, इसको इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से चलाते हैं, इसको दो मिनट तक ऐसे ही पकाते हैं। अरे देखिए, तब तक हमें कोफ्ते पानी से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, सारे निकाल लेते हैं और ये पानी है कि नहीं, इसको भी इसी में इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए, अच्छे से भूनना। ये देखिए, अच्छे से भूनने के बाद ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं, ऐसे चलाते हैं, एक दो मिनट तक ऐसे मिक्स करते हैं। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद देखिए, हम यही वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने कोफ्ते उबाल कर रखी है। अब इसको पकाते हैं और इसमें शुगर वाले भाई बहनों के लिए करते, कितने अच्छे बनते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अभी देखिए, 5 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार है। देखिए, अच्छे से पक चुके हैं। देखिए, अब इनको परोसते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। और ये देखिए, मेरे शुगर वाले भाई बहनों के लिए कोफ्ते बिल्कुल तैयार है, जो बिना तले हुए, बिना तले कोफ्ते, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही फायदेमंद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।